बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सुप्रीम कोर्ट कल अहम फैसला सुनाने जा रही है। तीन रुकनी बेंच बैठेगा, सरबराही काजी फैज ईसा करने जा रहे हैं और मामला है इलेक्शन से मुतालिक। आगे चल के उसकी तफसील बताता हूँ। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 13 अगस्त की मुहिम इस वक्त जोरों शोर से जारी है। पूरे मुल्क में कैंपेन हो रही है कि 13 अगस्त को कैसे निकलना है, लेकिन उससे ठीक चंद घंटे पहले क्रैकडाउन शुरू हो चुका। अभी अभी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, इस्लामाबाद से भी कुछ क्रैकडाउन की इतलात हैं, आपको उसकी तफसील भी बताता हूँ। और फिर हमारा अरशद आज घर पहुँच गया, मियाँ चन्नू का शहजादा पहुँच गया घर, और ज़बरदस्त इस्तकबाल और कुछ जज्बाती मनाजर आज कौम ने देखे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। इनामात की बरसात का सिलसिला भी जारी है, वो भी डिस्कस करेंगे। और फिर सुनाए, आज सरकारी टीवी ने बताया है कि हर दिल की आवाज़ कौन है, सोशल मीडिया के ऊपर उसका भी बड़ा चर्चा जारी है। तो आप लोग बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में कि कौन है हर दिल की आवाज़, फिर हम भी उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा कौम के हीरो के ऊपर बात कर लेते हैं। अरशद नदीम आज घर पहुँच के गुज़िश्ता रात एयरपोर्ट के ऊपर जो इस्तकबाल देखा, और फिर आज घर पहुंचने तक, माँ के कदमों में जाने तक जो सिचुएशन, जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने उन्हें दी, बहुत कम लोगों को मिली। जज्बाती मनाजर थे सारे, आपने सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख लिए, मैं तो उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैंने एक टीवी प्रोग्राम में अरशद का एक क्लिप देखा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कभी प्यार नहीं मिला। मतलब उनके एग्जैक्ट वर्ड में बताता हूँ, वो कहते हैं कि मुझे आज तक कभी प्यार नहीं मिला और इस तरह की कभी फीलिंग ना आई, ना कभी किसी ने दी। एंकर ने पूछा, आपको तो बहुत लोग चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इन टर्म्स ऑफ फैमिली, वैसे बाहर भी करते हैं लोग प्यार, लेकिन जो एक फीलिंग होती है ना कि कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, उस तरह की फीलिंग से वो महरूम थे। मुझे आज तक कभी प्यार नहीं मिला। प्यार का मतलब है कि जैसे एक दिल में हसरत होती है इंसान के, उस तरह की कभी फीलिंग नहीं आई क्योंकि किसी ने दी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। आज मेरा ख्याल है सिनेरियो टोटल बदल चुका, और मेरा ख्याल है अब अरशद को ये गिला नहीं होगा कि कोई उन्हें प्यार नहीं करता। पूरी कौम ने उनको जो प्यार दिया, पूरी कौम ने प्यार के साथ साथ इज्जत भी दी और उन्हें अपना बनाया, तो अब मेरा ख्याल है अरशद का वो गिला दूर हो जाना चाहिए। मैं एक बड़ा प्यारा क्लिप देख रहा था कि एयरपोर्ट पर जब वो जा रहे थे इस इवेंट में शिरकत के लिए, तो अकेले थे, एक दो लोग उनके साथ थे, कोई सी ऑफ करने वाले भी शायद ना हुकूमती शख्सियात में से थे, ना कोई सेलिब्रिटीज़ में से थे, ये जो आज सारे आ रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, कोई भी नहीं था। लेकिन वापस आया तो क्या क्या ज़बरदस्त उसका इस्तकबाल, और पूरी आवाम साथी, तो बहुत अच्छे विजुअल्स लगे। और वाकई लाहौरियों ने, पाकिस्तानियों ने हक अदा कर दिया अपने इस नेशनल हीरो का। ऑन द अदर हैंड मैं देख रहा हूँ एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। जो PTI के हामी हैं उनको लगता है कि वो इमरान खान के साथ उनकी तस्वीर शेयर करके थोड़ा उसके साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो PMLN वाले हैं वो शहबाज शरीफ के साथ उनकी तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से कि इस सेलिब्रेशन को या इस अचीवमेंट को, इस कामयाबी को, इस अरशद को आप पूरी कौम का रहने दीजिए, इसको तकसीम मत करें, ना इस कामयाबी को तकसीम करें, ना अरशद को तकसीम करें। अगर उसने कोई स्टेटमेंट दिया भी है बिलफर्ज कि मैं इसका लगाया पौधा हूं, मैं उसका लगाया पौधा हूं, आप उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़िए, इस तकसीम में पड़िए ही मत कि यह किसकी कामयाबी है या किसका, यह सोली होली अरशद की कामयाबी है और पूरी कौम उसको बैक कर रही है, सपोर्ट कर रही है, दैट्स इट। ना किसी XYZ की, ना किसी इधर की तस्वीरें लगाने से ये कोई PM का क्रेडिट नहीं बनता, कोई किसी और का क्रेडिट नहीं बनता, उसके हालात देखे, सिर्फ अरशद का क्रेडिट है। और फिर इनामात की बरसात तो हो ही रही है, बड़े ज़बरदस्त और दिलचस्प इनामात मिल रहे हैं। मतलब घर भी मिल गया, प्लॉट भी मिल गया, गाड़ी मिल गई, पूरी ज़िंदगी के लिए फ्यूल मिल गया, लाइफ टाइम फ्री फ्यूल, वो गो पेट्रोलियम कंपनी है ना, उन्होंने ऐलान कर दिया कि सारी ज़िंदगी के लिए गाड़ी भी और पेट्रोल भी जनाब के लिए फ्री, उम्रे के टिकट्स भी मिल गए, और भी बहुत कुछ मिलेगा। और सुसर साहब की तरफ से भैंस भी तोहफे में मिल गई, तो ये कम अचीवमेंट नहीं है कि सुसर ने भी आपको भैंस तोहफे में दी है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो एक मुझे लगता है कि जब आप वो पापड़ के इश्तहारों के ऊपर आने लग जाए ना, या स्नैक्स के इश्तहारों के ऊपर, ये लोकल किस्म के जो स्नैक्स होते हैं उनके ऊपर जब आप आने लगे, तो वो अचीवमेंट का एक नेक्स्ट लेवल ही होता है। तो अरशद के नाम से स्नैक्स जो है वो भी मुतारिफ हो गए। तो हमारे यहाँ जो कोई फेमस होने लगता है ना, या जब किसी की लॉटरी निकलती है इन टर्म्स के वो जनाब आवाम में फेमस हो गया, तो उसकी पहली मकबूलियत यही होती है कि जनाब उसके स्नैक्स के ऊपर, लोकल स्नैक्स के ऊपर उसके नाम की तस्वीरें आ जाएँ, तो वो अब आने लग गई है। तो अल्लाह ताला अरशद को बहुत सारी कामयाबियाँ दें, आपकी तरह हम भी बहुत खुश हैं, लेकिन खुदा रहा इसको डिवाइड मत होने दें इस खुशी को। मैं देख रहा था कुछ लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं कि आज इमरान खान का सहर टूट गया, आज इमरान खान का जादू जो लोगों के सर पर
चढ़ के बोल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। इस तरह के कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, मतलब ये अफसोसनाक है। इमरान खान का और अरशद की इन चीज़ों का मुवाजना करना भी बंद कीजिए। इमरान खान की जो खिदमात हैं, एक उनका एक पूरा कैरियर है, उनकी एक पूरी ज़िंदगी रही है इस तरह की सरगर्मियों में, शौकत खानम से लेके आगे। अरशद ने अभी और बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी, लेकिन कंपेरिज़न के चक्कर में पड़ के काम ख़राब कर देते हैं। तो जो लोग जिन लोगों को लगता है कि इमरान खान का सहर ख़त्म हो गया या टूट गया, उन वो अपनी तसल्ली के लिए तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन डरते इस बात से भी हैं कि कहीं इमरान खान की एक झलक नज़र ना आ जाए। कहीं इमरान खान अगर इस तरह बाहर निकल आए, अभी आप आगे आने वाले वक्त में देखिएगा, हमेशा एक जैसा तो नहीं रहना, कभी ना कभी तो बाहर आना है उन्होंने, और ये कोई वक्त बहुत दूर भी नहीं है। जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, ये सारे विजुअल जो हैं उसके सामने छोटे पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये एक नेशनल एथलीट का इस्तकबाल है, वो एक नेशनल लीडर का इस्तकबाल होना है जब भी हुआ, और उसका कोई मुकाबला, कोई कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं होगा। अगर इतना ही है, इतना ही आसान लगता है, तो निकाल के देख लें एक बार, कंपैरिजन करके देख लें। अगर इस तरह इमरान खान का सहर टूटता है तो आपको तो तोड़ लेना चाहिए, आपको तो बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। इमरान खान का सहर तोड़ने का बेहतरीन मौका मिल रहा है, कल उसको भी निकाल के बताएं कि देखें जी, इसके पीछे तो लोग निकले नहीं है, अरशद के पीछे इतने लोग निकल आए, तो दैट्स इट। मत करें ये चीज़, मत कंपैरिजन में पड़े। इमरान खान का ऑरा, इमरान खान का टाइम, इमरान खान का सब कुछ डिफरेंट है, और वो वक्त साबित करेगा जब भी वो मौका आएगा। आप देखिएगा वो तारीखी लम्हात, वो अक्रॉस द वर्ल्ड जाने वाले हैं जब भी वो होगा, अल्लाह करे जल्द हो, लेकिन उसी का तो डर है। आज मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सरकारी टीवी ने भी कोई बताया कि हर दिल की आवाज़, जब वो नगमा चल रहा था, गुलकार साहर अली बग्गा और नीचे इमरान खान के विजुअल चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो PTV के ऊपर एग्जैक्ट इसी तरह नशर हुआ, क्योंकि जब तक मैं सोशल मीडिया पर पहुंचा तो शायद वो पोस्ट डिलीट हो गई या क्या, क्योंकि आजकल इतनी एडिटिंग होती है, कुछ पता नहीं चलता कि ये फैक्ट है, जब तक आप खुद तसल्ली से चेक ना कर लें। सोशल मीडिया पर पोस्ट तो मैं बहुत देख रहा हूँ, हुआ होगा ऐसा, गलती हो जाती है समटाइम्स, ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। अगर गलती भी है ना, तो मैं कहता हूँ इसको अप्रिशिएट करें, इसको बजाय इसके कि किसी के ऊपर कि जनाब उससे गलती हुई उसको सजा देनी है, मेरा ख्याल है उससे एक अच्छा मैसेज गया, एक अच्छा तासुर गया है लोगों में कि देखें इस इदारे से, कौमी इदारे से ये मैसेज जा रहा है, तो चले इसको पॉजिटिवली सेलिब्रेट कर लेते हैं, छोड़ें नफरतें बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा हो गया, नाम के ऊपर लकीरें बहुत हो गई, अब नहीं लग रही तो आने दें बाहर, नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से सोच और अप्रोच को लेके चले तो थोड़ी बेहतरी होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं ज़रा आईनी और कानूनी मामलों के हवाले से। कल सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसले का ऐलान करने जा रही है। काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बैठेगा, और ये केस है इंतखाबी एक तरह से मामलों के हवाले से, या वोटों की गिनती, दोबारा गिनती के हवाले से। 3 हलकों में दोबारा गिनती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था, उसके ऊपर समाअत हुई, फैसला महफूज हुआ, अब ये फैसला सुनाया जाएगा। लोधरा का हल्का है NA 154, 154, फिर NA 79 और फिर NA 81। इन 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्त के ऊपर यह फैसला महफूज किया गया था, और इसका कल ऐलान किया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा यह फैसला। लेकिन इन 3 हलकों का फैसला, और वो भी सिर्फ दोबारा गिनती की हद तक सुना देना, क्या ये बेहतर चीज़ है? इससे तो मामला बहुत आगे जा चुका, अब तो पूरा का पूरा इलेक्शन, पूरे का पूरा ये पार्लियामेंट, इसमें बैठे हुए लोग, ये तो सबके सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अब तो चंद हलकों की अगर दोबारा वोटों की गिनती का हुक्म देना या इस तरह, इससे मामला हल नहीं होना या इससे मामला आगे नहीं बढ़ने, अब तो डिमांड कर रहे हैं अगले कि पूरे का पूरा इलेक्शन खोला जाए। अब चंद हलकों की बात तो रही नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट, क्या इस ओहदे पर बैठे हुए लोगों को नहीं पता कि इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट हुआ, कैसे हुआ? वो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी एप्लीकेशन है, जो मरकज़ी दरख्वास्त है, वो अभी तक पेंडिंग है, उसको नंबर नहीं लगा, मुतफरक दरख्वास्तें दायर कर दी गई, बार बार रिक्वेस्ट कर दी गई कि उसको नंबर लगाएं, उसको सुने, उसको सुनना तो दूर की बात है, बेंच तक नहीं बनाया गया उसके ऊपर, अभी तक वो मामला पेंडिंग है। अभी किसी वक्त लगे वो केस तो पता चले कि क्या हुआ है, कभी पोस्टमार्टम हो पूरा इस इलेक्शन का, तो क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। अल्लाह करे कभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ऐसी बने या कोई ऐसा कमीशन बने जो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से बताए, और बेशक 2018 के इंतखाबात के हवाले से भी कर लें, एक ही साथ कर लें, जिसकी भी गलती है, जिसकी भी कोताही है, वंस फॉर ऑल उसको सेटल करके आगे बढ़ने का तरीका बनाएं, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में अगर आपने इसी तरह से इलेक्शन कराने हैं, तो ये नौजवान, ये आवाम, ये मायूस है इस इलेक्शन से या इस इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन से या इस निज़ाम से, इस तरीके से इलेक्शन कराने से अवाम मायूस है। उनका बिल्कुल कोई इरादा नहीं है कि वो कभी अपने वोट की ताकत का इस तरह से इस्तेमाल करें जिस तरह से वो 8 फरवरी को कर चुके हैं। बहुत सारे लोग दोबारा भी करेंगे लेकिन मेजॉरिटी जो है वो डिसअपॉइंट हो चुकी है। तो इसलिए अगर किसी नेशन से आपने इलेक्टोरल वोटिंग प्रोसेस एलिमिनेट कर देना है या उसमें पार्टिसिपेशन को एलिमिनेट कर देना है, दैट मीन्स कि आप जमहूरियत का मतलब कत्ल कर रहे हैं एक तरह से। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन्हीं मामलों को लेकर अपनी मूवमेंट जारी है, वो हर फोरम के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। अभी एक मौका उनको मिल रहा है 14 अगस्त यानी 13 अगस्त की रात को पाकिस्तान और पीटीआई के परचम उठा के निकलने का, रैलियां, जलसे जुलूस, ये सारा कुछ वो प्लान कर रहे हैं और एक मास लेवल पे उनकी एक्टिविटी जारी है। और पूरी मुहिम मैं इस वक्त देख रहा हूँ, पैगाम आ रहे हैं, मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स, और चीज़ें प्लान आउट की जा रही हैं कि 13 अगस्त की रात किस तरह से डोमिनेट करना है या किस तरह से एक मैसेज कन्वे करना है, या उनको एक मौका मिल रहा है, आवाम भी बाहर निकल रही होगी, कोई उस तरह से पकड़ दकड़ या दफ़ा 144 भी नहीं होगी, तो कैसे इस मौके को यूटिलाइज किया जाए, तो वो सारा कुछ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मुझे अभी पता चला कि कोई क्रैकडाउन भी शुरू हो रहा है, और अभी कुछ देर पहले की अपडेट है कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक कॉर्नर मीटिंग के ऊपर वो पहुंचे हैं, छापा मारा है और कुछ गिरफ्तारियों की भी इत्तलात हैं। और ये बताया गया है कि ये सारा कुछ एन उन लम्हात में हो रहा है जब ये प्लान आउट किया जा रहा है कि किस तरह से कहां कहां से हमने रैलियां निकालनी हैं या जाना है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से 14 अगस्त से पहले पहले या 14 अगस्त तक आपको ये पकड़ धकड़, गिरफ्तारियाँ, छापे, मुकदमात, ये सारा कुछ फिर से देखने को मिलने वाला है। तो अभी तक पॉलिसी में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। फिर गुज़िश्ता रात मैंने आपको व्लॉग में बताया था, आमिर खान चमकनी गिरफ़्तार हुए थे, सरगर्म कारकुन है पीटीआई के, लेकिन गिरफ्तारी के चंद ही घंटों के बाद वो रिहा हो गए। जब तक मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर चुका था उस वक्त तक वो गिरफ़्तार थे और उसके बाद उनकी रिहाई अमल में आई। तो अली अमीन गंडापुर ने सुना है इस काफ़ी इस मामले में काफ़ी किरदार अदा किया है और उन्होंने उनको बाज़याब कराने में पूरी कोशिश की है। तो ये एक अच्छी एफर्ट थी उनकी भी जानब से भी, और जिस तरह से लोगों ने एकदम से सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, ये भी अच्छा अमल रहा। और मेरा ख्याल है ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। इससे एंड रिज़ल्ट, इससे क्या निकल रहा है, अगर तो कोई फ़ायदा हो रहा है फिर तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो मेरा ख्याल है इस मामले को रोका जाना चाहिए। फिर एक आखिरी खबर, एक बाई इलेक्शन आ रहा है, मुकाबला आ रहा है रहीम यार खान के हलके से, जहां पर मुमताज़ मुस्तफ़ा जो हैं पीटीआई के एमएनए थे वो फोत हो गए कुछ दिनों पहले, पार्लियामेंट में पहुंचे, उनके साथी आमिर डोगर ही बता रहे थे कि वो पार्लियामेंट में पहुंचे और उन्होंने बताया कि वो छापे और गिरफ्तारियों के डर की वजह से अपने घर नहीं जा पा रहे और बड़े परेशान हैं, और फिर इसी हालत में उनकी वफ़ात हो गई। तो एक रुकने असम्बली अपने घर नहीं जा पा रहे थे, अपने बच्चों से नहीं मिल रहे थे, और इसी दौरान उनकी वफ़ात हुई। और उसके बाद अब बाई इलेक्शन जो है वो सितंबर में होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने उसकी तारीख का भी ऐलान कर दिया, तारीख मैं भूल गया क्या है, लेकिन सितंबर में ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये भी एक तगड़ा मुकाबला होगा, ऑल दो के अवाम डिसअपॉइंट है, नहीं आना चाहते इलेक्शन के प्रोसेस में, इस किस्म के इलेक्शन के प्रोसेस में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो निकलना पड़ेगा, वोट तो डालना पड़ेगा। तो देखते हैं, टर्नआउट थोड़ा कम रहेगा लेकिन ये मुकाबला भी तगड़ा रहेगा। आपको अपडेट करता रहूँगा, अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।